खरगोन जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासनिक महकमा सड़कों पर उतरा और लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री के सपने को साकार किया। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आह्वान किया था कि 23 मार्च को प्रत्येक शहर में 2 मिनट सायरन बजाकर लोगों को महामारी से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समझाइश देंगे। इसी क्रम में खरगोन जिले का प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरा और दुकानों के बाहर गोले बनाकर लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का संदेश देकर उन्हें मास्क लगाने की प्रेरणा दी। इस दौरान जिला कलेक्टर अनुग्रह पी ने बताया कि बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री का संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए निकले हैं। अभी कोरोना महामारी जो है खरगोन जिले में हर दिन जो है ज्यादा केसेस आ रही है, इसलिए पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने आज मास्क निकाले हैं और दुकानदार को भी हमने ये जिम्मेदारी दिए हैं, वो लोग अपने अपने दुकान के सामने गोला बनाएंगे। जो ग्राहक आ रहे हैं उनको अनिवार्य मास्क होना चाहिए और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। पब्लिक जो है जितना मास्क प्रयोग करेगी उतना जो है सुरक्षित रह सकती है। हमने जो है रोज 600 टेस्टिंग कराते हैं जिससे केसेस प्रॉपरली डिटेक्ट हो जाए। अभी जो है कोरोना का कंट्रोल करने के लिए एकमात्र तरीका है जो पब्लिक जो है मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखना चाहिए और लगातार उनका सैनिटाइज या जो है साबुन से उनका हाथ धोना चाहिए। जो सिम्टोमेटिक है वो लोग जो है अपने घर में रहें, टेस्ट करा लें और होम आइसोलेशन में जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देखिए अभी कोरोना की जो वेव है वो फिर से आई है और जैसा आप सभी लोगों को देख रहे हैं कि काफ़ी केसेस जो हैं वो धीरे धीरे उनकी संख्या जो है वो सभी जगह बढ़ रही है, तो इसी गंभीरता को देखते हुए आज ये जो मार्च है इसका आयोजन सभी जगह किया गया है। अलग अलग जगहों पे जिले में सभी जगह इसको साइमल्टेनियसली किया गया है और साथ में सायरन बजाया गया ताकि लोगों में एक जागरूकता जाए और लोग इस बात की गंभीरता को पहचानें और साथ ही साथ इसमें अपने प्रयास करें, मास्क पहने, दूरी बना के रखें कि जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, उन लोगों पर उनमें भी जाके हम लोगों ने गोले बनाकर उनको भी इस बात की हिदायत दी है कि वो भी अपने ग्राहकों में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और यह इंश्योर करें कि उनके ग्राहक भी जो आते हैं वो भी सही तरीके से मास्क पहने। इसके साथ साथ ही आम जनता में जागरूकता के साथ साथ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस तरह के दिखते हैं बिना मास्क के घूमते हुए, तो उनमें हम लोग चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ में उनको मास्क भी दे रहे हैं ताकि वो प्रॉपर उसको पहने और भविष्य में इस प्रकार की गलती ना करें जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। महाराष्ट्र के सर इसमें 7 नाके लगाए गए सर खरगोन जिले में, वहाँ पर किस प्रकार की सर सावधानी बरती है? देखिए एक तो जो अंतर राज्यीय जो परिवहन है बसों का उन सब का वो सभी अभी रोक दिया गया है। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति आते हैं उनका प्रॉपर टेस्टिंग होने के बाद, स्क्रीनिंग होने के बाद ही उनको अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि अभी जैसा आप सभी को विदित है कि महाराष्ट्र में थोड़े से केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए वहाँ से आने वाले जो परिवहन है या हमारे यहाँ से जाने वाला उसका दोनों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए नाके भी स्थापित किए गए हैं ताकि इसको स्क्रीन प्रॉपरली किया जा सके। खरगोन से UD News के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।